आर्ट क्लासेस हम लेंगे, कितनी लेंगे? आर्ट क्लासेस, और ये जो आर्ट क्लासेस होंगी ये जुमे के दिन होंगी, ठीक है? आज पहली क्लास है, अगले जुमे को भी एक क्लास होगी, फिर उससे अगले जुमे को एक क्लास होगी, ठीक है? इस तरह से टोटल 8 क्लासेस होंगी आपकी। तो इस 8 क्लासेस में हम बुनियादी तौर पर तो मैथ पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन ये मैथ कोई क्लास का मैथ नहीं है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है? बल्कि ये जर्नल मैथ है। जर्नल मैथ का मतलब हम मैथ से खेलना सीखेंगे, ठीक है? फन, मजा करेंगे मैथ के साथ। सही, आपको मैथ से डर लगता है? मैथ से डर लगता है? बास बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। तो ये जो 8 क्लासेस होंगी ये आपका डर जो है वो मैथ से निकाल देंगी और आप एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट मैथ में। लेकिन जो बच्चे इस क्लास में भी सोएंगे और तवज्जो नहीं देंगे और गौर व फिक्र नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे टीचर का, तो फिर उनका खौफ वैसे ही रहेगा मैथ का जैसा है, ठीक है? हम मैथ में सोचना सीखेंगे, गौर करना सीखेंगे। ये आपकी जिंदगी की बहुत स्पेशल क्लासेस हैं और आप सारी जिंदगी जो है वो इस क्लास को, इन 8 क्लासेस को याद करेंगे कि भाई हमने मैथ जो है वो सीखा था। ऐसी ही क्लासेस मैंने पहले भी ली हैं और आज भी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ के निकले हैं वो जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आपने जो मैथ की क्लास ली थी ना वो वाली, बस उसकी वजह से जो है ना हम यहाँ तक पहुँचे। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है जुनेद हुसैन, ठीक है? वो गूगल में काम करता है। गूगल अर्थ पता है ना आपको? गूगल अर्थ, तो गूगल वाले क्या करते हैं, पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो उन्होंने डाला है इंटरनेट पे। तो पाकिस्तान में जो उस नक्शे पर काम करते हैं उनमें से एक जो है वो मेरे स्टूडेंट हैं, जुनेद हुसैन। तो वो बड़ा, जब भी मिलते हैं वो कहते हैं सर आपने जो मैथ की जर्नल क्लासेस ली थी हमारी और आपने जो ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ाई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें पढ़ाई थी, सर ये बस इसकी वजह है कि हम यहाँ तक आ गए, ठीक है? तो ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि आप फोकस करें और इस क्लास को अहम समझें, बर्डन नहीं लें। एक तो होता ना बर्डन, बहुत मुश्किल, मुश्किल नहीं लें। हम मजे मजे से पढ़ेंगे और आपको हर लम्हे सवाल पूछने की इजाजत है। जिस जगह पे भी आपको जो बात समझ में नहीं आए आप फौरन मुझसे पूछेंगे, ऐसी जबरदस्ती मुंडी नहीं हिलाएंगे कि हाँ आ गई। जब मैं पूछूंगा हाँ भाई आ गई तो आप बोलोगे, अगर आ गई होगी तो आप बोलोगे आ गई, और अगर नहीं आई होगी तो आप बोलोगे हमें समझ में नहीं आई, ठीक है? तो ये किसी क्लास का मैथ नहीं है। दसवीं वालों को भी मौका मिल रहा है कि वो इसमें शरीक हो रहे हैं, वरना ये क्लास जो है बुनियादी तौर पर 6ठी 7वीं और 8वीं के लिए है। लेकिन इत्तेफाक है कि आप लोगों के पास टाइम है और बच गया है इतना, तो आप भी इस क्लास में शामिल हो जा रहे हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गिनती से, ठीक है? हम गिनती सीखेंगे। गिनती तो आपको आती है सबको, लेकिन उस गिनती के पीछे क्या जो है वो फलासफी है और गिनती बनी कैसे है, ये जो है ना हमें आपको सिखाना है। तो गिनती हम गिनते ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 100 आ जाता है, फिर 200 आ जाता है, फिर 500 आ जाता है, फिर 1000 आ जाता है। तो ये गिनती क्या है? दरअसल चीजें गिनना है ना? ये कितने हैं? दो है, ठीक है? अब ये कितने पीस हैं?
चार पीस हैं, ठीक है, आप गिनते हैं चीजों को, काउंट करते हैं। अच्छा, फिर उसको काउंट करके उसको लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, फर्ज कीजिए ये स्टिक है, 1 2 3 4 5, ये कितनी स्टिक है? 5, ठीक है। इस 5 स्टिक को आप बयान कैसे करते हैं? ऐसे, तादाद इस तरह है और आप उसको बयान कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है। अगर इसमें 2 स्टिक और शामिल कर दें तो आप कैसे बयान करोगे उसे? 7। ये 7 खुद तो कुछ नहीं है, ये 7 इन 7 चीजों को बयान करने का तरीका है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? अच्छा, ये क्या है? 1। ये क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक चीज को बयान करने का तरीका है, ये 2 चीजों को बयान करने का तरीका है, ये 3 चीजों को बयान करने का तरीका है, ये 4 चीजों को बयान करने का तरीका है, ये 5 चीजों को, ये 6 चीजों को, ये 7 चीजों को, ये 8 चीजों को, ये 9 चीजों को, ऐसे ही है ना? दस चीजों को बयान करना हो तो आप कोई नया नंबर नहीं लिखते। अच्छा, एक और है 0। 0 कितनी चीजों को बयान करने का तरीका है? कुछ भी नहीं को। कुछ भी नहीं हो अगर, उसको बयान करने का तरीका क्या है? आपकी चाय का है, आएगी अभी, ये आप ले लें, मैं वो ले लूंगा गरम गरम। 0 किस चीज को बयान करता है? कुछ भी नहीं को। 0 किसको बयान करता है? जेब खाली को। जेब खाली को कौन बयान करता है? 0, ठीक है। अच्छा, आपको अगर 10 चीजों को बयान करना है तो 10 चीजों को बयान करने के लिए आपके पास कोई नया नंबर नहीं है, आप इस 1 को लेते हैं और इस 0 को लेते हैं और यहां लिख देते हैं। इसका मतलब है आपकी गिनती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, यानी 9 चीजों को बयान करने के लिए आपके पास फिगर है। ये चीजें हैं और ये फिगर है, ऐसे ही है ना? ये तादाद है, उसको बयान करने के लिए ये फिगर है। 10 चीजों को बयान करने के लिए नया फिगर है? नहीं, आप उसी को यूज करते हैं। तो आपके पास सिर्फ ये 10 फिगर हैं, बस सारी गिनती आप इसी से बयान करेंगे, सारी तादाद आप इसी से बयान करेंगे। आपको अगर 10 बयान करना हो तो कैसे लिखेंगे? वन के साथ 0। 11 बयान करना हो तो कैसे लिखेंगे? 11 बयान करना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 के साथ 1। 12 बयान करना हो, कोई नया नंबर तो नहीं है ना? क्या ये जो 12 आपने लिखा है कोई नया फिगर है? नहीं, फिगर सिर्फ कितने हैं? 10, 0 भी शामिल है ना, फिगर सिर्फ कितने हैं? 10। इन्हीं 10 फिगर्स को यूज करके आप सारी तादाद जाहिर करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5,
वन के साथ सिक्स, वन के साथ सेवन, वन के साथ एट, वन के साथ सारे लग गए। अब जब आपको 20 लिखना होता है तो आप किसके साथ शुरू कर देते हैं? टू के साथ। ऐसे ही होता है ना, टू के साथ जीरो, टू के साथ वन, टू के साथ टू, टू के साथ थ्री, टू के साथ फोर, टू के साथ फाइव, टू के साथ सिक्स, टू के साथ सेवन, टू के साथ एट और टू के साथ, आपने बोला टू के साथ सारे लगा दिए। अब जब आपको 30 लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? थ्री के साथ शुरू कर देते हैं आप। ठीक है, ऐसा ही है। आओ हम अपनी गिनती बनाते हैं, एक नई, हम अपनी नई गिनती बनाते हैं। उस नई गिनती में जी, ये जो गोल दायरा है ये जाहिर करेगा कुछ भी नहीं को, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है ये जाहिर करेगा वन को। फिगर है ये, हमने अपनी गिनती बनाना का फैसला किया। और ये जो स्क्वायर है ये जाहिर करेगा टू को, ठीक है। बस इसी से सारी गिनती बनाएंगे, इसी से क्या बनाएंगे? ये किसको जाहिर कर रहा है? कुछ भी नहीं को। ये किसको जाहिर कर रहा है? एक चीज को। ये किसको जाहिर कर रहा है? दो चीजों को, ठीक है। अब हमको तीन चीजों को जाहिर करना है। आपका ख्याल है कैसे जाहिर करेंगे? तीन चीजों को जाहिर करना है तो इसके साथ ये लगा देंगे, ये तीन है, ऐसी तो करते हैं आप। जब आपके पास नंबर खत्म हो जाते हैं तो आप पहले के साथ जीरो लगा के अगला लफ्ज बनाते हैं, फिर वन के साथ वन लगा के उससे अगला बनाते हैं, फिर वन के साथ टू लगा के। तो ये क्या है? तीन है। चार कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल, ऐसी होता है ना, वन के साथ पहले जीरो लगाया, वन के साथ फिर क्या लगाया, सही। ये क्या लिखा हुआ है? फोर लिखा हुआ है। आप क्या लिखेंगे? ट्राइंगल के साथ स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? फाइव लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब आपको सिक्स लिखना है, इसके साथ तो आपने ये सारे लगा दिए, ये है ना हमारे बुनियादी नंबर्स, इसी में खेलना है हमें सारा, इसी से गिनती बनानी है सारी। तो अब आप ये बताइए, ये पांच थे, छह हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर के साथ जीरो, ऐसा ही है। सात लिखना है तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर के साथ ट्राइंगल, गुड। आठ चीजें लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर के साथ स्क्वायर। हमारी गिनती बन रही है। ये क्या लिखा हुआ है? तीन, थ्री को जाहिर कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा? बहुत से बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कितने बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है, गुड। मैं दोबारा ये समझाता हूं आपको। एक चीज को जाहिर करने के लिए आपके पास क्या है? वन, फिगर है, फिगर। ये वन कुछ भी नहीं है, फिगर है जो किसको जाहिर करता है? एक चीज को। ये क्या है? एक फिगर है जो जाहिर किसको करता है? पांच चीजों को। ये एक फिगर है जो जाहिर किसको करता है? नौ चीजों को, ठीक है। क्या दस चीजों को जाहिर करने के लिए आपके पास कोई नया फिगर है? नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? पहले ही फिगर्स को यूज करके दस बनाते हैं।
ऐसे ही है ना। तो हमने क्या करा, वन के साथ क्या लगाया, जीरो। ये दस को जाहिर करता है, वन के साथ क्या लगाया, वन। ये ग्यारह को जाहिर करता है, वन के साथ क्या लगाया। यानी हमारे पास नए फिगर नहीं है, हम उन्हीं फिगर को यूज करके गिनती बना रहे हैं आगे की। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ, आपके पास ज्यादा से ज्यादा फिगर कितना बड़ा है, नाइन। इसके बाद आपके पास कोई नया फिगर नहीं है। दस चीजें जाहिर करनी हो तो आप क्या करते हो, उन्हीं फिगर्स को यूज करते हो। ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास ये तीन फिगर हैं, ये किसको शो कर रहा है, कुछ भी नहीं को। ये किसको शो कर रहा है, वन को, वन चीज को। और ये किसको शो कर रहा है, दो चीज को। बस मेरे पास ये तीन फिगर हैं, इससे मुझे गिनती बना। अब मुझे तीन चीज बनानी है। तो जिस तरह मैंने यहां इसके साथ जीरो रखा और अगला फिगर बनाया, मैं यहां पे भी क्या कर रहा हूं, इसके साथ ये रख के अगला फिगर बना रहा हूं। ये समझ में आती है बात? सादा सी बात है। मेरे पास सिर्फ यही फिगर है गिनती को बताने के लिए। तो तीन चीजों को कैसे बताऊंगा मैं, इसके साथ जीरो, इसके साथ ये, इसके साथ ये। यही तो तरीका इख्तियार करते हैं आप, एक के साथ जीरो, एक के साथ एक, एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पांच। तो आपके पास ये तीन शक्लें हैं, आप इन्हीं को यूज करके ट्राइंगल के साथ जीरो लगाया आपने, ये क्या बन गया, तीन। ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल लगाया, ये क्या बन गया, फोर। ट्राइंगल के साथ ये लगाया, क्या बन गया, फाइव। यहां तक समझ में आई बात? अब आपने ट्राइंगल के साथ लगा लिए, अब किसके साथ लगाना है, बिल्कुल जैसे आपने पहले वन के साथ सारे लगाए, अब टू के साथ लगा रहे हो। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, ट्राइंगल के साथ लगा लिए, अब किसके साथ लगाओगे, समझ में। तो स्क्वायर के साथ आपने लगाया सर्कल, ये किसको जाहिर करता है, छह को। स्क्वायर के साथ आपने लगाया ट्राइंगल, ये जाहिर करता है सात को। स्क्वायर के साथ आपने लगाया स्क्वायर, ये जाहिर करता है एट को। अब नाइन लिखना है आपको, ये तो सारे हो गए, ये भी हो गया ना। अब नाइन कैसे लिखेंगे, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो आपने इसके साथ भी लगा लिए, इसके साथ भी अब इसके साथ लगाएंगे ये तीनों, बिल्कुल ऐसे जैसे जब आप नौ तक पहुंचते हैं, सही है ना। 81 एट के साथ वन लगाया, 81 एट के साथ टू लगाया, 82 एट के साथ थ्री लगाया, 83 फिर नाइन के साथ जीरो लगाया, 90 91 92 90। जब नाइन के साथ नाइन लगा लेते हैं आप, सबके साथ सब लग गए, तो फिर आप क्या करते हैं, टेन के साथ वन लगाते हैं। यानी अगले फिगर के साथ आप क्या लगाते हैं, वन लगाते हैं। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, ये जो अगला फिगर है इसके साथ क्या लगाओगे, ट्राइंगल के साथ, ये ट्राइंगल जीरो के साथ जीरो, ये क्या बना, नाइन। फिर ट्राइंगल जीरो के साथ ट्राइंगल, ट्राइंगल जीरो के साथ ट्राइंगल, ये क्या बना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ था, ये दस बन गया। फिर ट्राइंगल जीरो के साथ स्क्वायर, देखें आप ट्राइंगल जीरो है ना, इसके साथ आपने पहले सर्किल लगाया, फिर ट्राइंगल सर्किल के साथ ट्राइंगल लगाया, फिर ट्राइंगल सर्किल के साथ स्क्वायर लगाया। अगला कैसे बनाएंगे, इसके साथ जीरो लगाना है, इसके साथ ये लगाना है, इसके साथ ये लगाना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोशिश करें, जहन पे जोर डालेंगे आपको आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक और गिनती बनाता हूं, ये स्टार जो है ये जाहिर करता है कुछ भी नहीं को। स्टार किसको जाहिर करता है, कुछ भी नहीं को। और ये स्नेक जाहिर करता है वन को, सही है। और ये सर्किल जाहिर करता है टू को, ठीक है। और ये ट्राइंगल जाहिर करता है थ्री को। बस यही हमारे पास नंबर है, बस, ठीक है। ये किसको जाहिर करता है, कुछ भी नहीं को। ये किसको जाहिर करता है, वन को। ये किसको जाहिर करता है, टू को। ये किसको जाहिर करता है, थ्री को। अब हमको फोर लिखना है, कैसे लिखेंगे, इस स्नेक के साथ स्टार,
ये स्नैक और इसके साथ स्टार, ये क्या बन गया? फोर। समझ में आ रहा है आपको? आप क्या करेंगे? स्नैक के साथ स्नैक, स्नैक के साथ स्नैक, ये क्या बन गया? फाइव। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? स्नैक के साथ सर्किल है हमारा, गुड। स्नैक के साथ सर्किल, ये क्या बन गया? सिक्स। अब क्या करेंगे? स्नैक के साथ ट्राइंगल, क्या बन गया? सेवन। आप तो बच्चे बड़े जहीन है भाई, समझ में आने लग गया आपको? अब स्नैक के साथ सब मिला लिया आपने, अब क्या करोगे? हाँ, सर्किल के साथ स्टार, ये क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, ये एट होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब क्या करोगे? सर्किल के साथ सर्किल के साथ स्नैक, सर्किल के साथ स्नैक, ये क्या बना? नाइन। आप क्या करोगे? सर्किल के साथ सर्किल, ये क्या बना? आप क्या करोगे? सर्किल के साथ ट्राइंगल, क्या बना? अब सर्किल के साथ सारे हो गए, अब किसके साथ चलाओगे? ट्राइंगल के साथ स्टार, ट्राइंगल के साथ स्नैक, ट्राइंगल के साथ सर्किल, ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल, हो गया। फिर क्या करोगे? स्नैक स्टार के साथ स्टार, स्नैक स्टार के साथ स्नैक, स्नैक स्टार के साथ सर्किल, स्नैक स्टार के साथ ट्राइंगल। फिर क्या करोगे? स्नैक स्नैक के साथ, ऐसे ही आप गिनती बढ़ाते जाओगे। यही तो आप अपनी गिनती में भी यही कर रहे हो ना, समझ में आ गई बात? ये क्या है? आठ फिगर है जो कितनी चीजों को जाहिर करता है? आठ चीजों को। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये भी आठ है, ये भी आठ है, और ये भी आठ है। वाह वाह, जबरदस्त। ये भी क्या है? आठ है। ये भी क्या है? आठ है। और वो भी क्या है? वो आपका जाना पहचाना है, ये आपका जाना पहचाना नहीं है। तो मैं यहां आपको इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि लिखा हुआ फिगर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फिगर के पीछे जो तादाद है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी फिगर यू भी हो सकता है और कभी फिगर यू भी हो सकता है, ये भी आठ है, और कभी फिगर ये भी हो सकता है, ये भी क्या है? आठ है। तो गिनती कैसे बनती है पता चला आपको? हम मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ फिगर दरियाफ्त किए हैं। पहले जब दुनिया बनी थी तो सिर्फ दो ही फिगर थे, जीरो और वन, बस सारी गिनती इसी से लिखी जाती थी। आप लिख सकते हैं जीरो वन की गिनती? लिख सकते हैं। फिर लोगों ने बोला भाई और फिगर बनाते, फिर जीरो वन के बाद लोगों ने टू बनाया, थ्री बनाया, फोर बनाया, गिनती फोर तक हो गई फिर, और सारी तादाद फोर फिगर तक जाहिर होती थी, सही। फिर लोगों ने नई गिनती बनाई, ये वाली फिगर नाइन तक इजाद कर लिए, क्योंकि नाइन तक हम फिगर यूज करेंगे, टेन अगर हमें लिखना होगा तो फिर हम इन्हीं को यूज करेंगे। फिर गिनती यहां तक आ गई, फिर चेंज आया, और आज जो गिनती है आपके पास वो उसमें दस भी बना लिया गया है। नौ के बाद दस कैसा होता है? ये दस है, हाँ कि नहीं? आज आज जो गिनती दुनिया में राइज तो नहीं हुई, राइज तो यही हो गई नौ तक की, लेकिन आप जब कंप्यूटर पढ़ोगे उसमें एक लफ्ज आएगा हेक्साडेसिमल, शायद सातवीं आठवीं वालों ने पढ़ा हो कहीं, हेक्सा
डेसिमल, उसमें ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है। सही, ये किसको जाहिर करता, 10 11 12 13, इसमें कितने टोटल फिगर हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, हम बोलते हैं इसमें 16 फिगर है। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, हम चले गए एक ऐसे दौर में जहां पर सिर्फ 0 1 2 3 और 4 तक गिनती बनी है। आप मुझे 0 1 2 3 4 5 4 यूज करते हुए 100 तक गिनती लिख के दिखाएंगे। मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। हिंट्स में कैसे दे रहा हूं आपको, ये समझ लीजिए आप। सिर्फ गिनती कहां तक इजाद हुई है समझ लें, 4 तक। 0 1 2 3 4, बस यानी ये वो बुनियादी फिगर्स हैं। आपको 5 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 0 है ना। 6 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 1। 7 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप एक काम करें, अपनी कॉपी में आप 1 से लेके 50 तक अपनी गिनती पहले लिख लें। लिख लिया आपने, पहले 0 लिखे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 से। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप यू लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, उसके बाद क्या लिखें यहां पे 11 12, फिर इसके सामने आपको इस गिनती में लिखना है, ये आपकी गिनती ऐसे लिख लें, हमारी गिनती, क्या लिखें, हमारी गिनती, और यहां लिखें पुरानी गिनती। पुरानी गिनती में 0 कैसे जाहिर किया था, अच्छा यहां मैंने ऐसे निशान डाल दिया, 0 तो 0 से जाहिर करते थे, 1 किससे जाहिर करते थे, 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 कैसे लिखेंगे, 1 0, 6 कैसे लिखेंगे। समझ में आ रही बात आपको, तो एक गिनती आपकी चल रही है और एक गिनती किसकी चल रही है, पुरानी चल रही है। लिखें